मध्य प्रदेश में 2 मई से 11 मई 2022 तक चल रहे लाड़ली लक्ष्मी उत्सव के दौरान मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत बाघा बॉर्डर भ्रमण के लिए पन्ना जिले से गई 4 बालिकाएं जिनमें अर्पिता, रजक, अमीषा, चतुर्वेदी, मांडवी और नितांशी विश्वकर्मा शामिल थी। ये चारों बेटियां 7 मई 2022 को जब अपने गृह जिले वापस पहुंची है तो सागर संभाग के आयुक्त मुकेश कुमार शुक्ला, पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और महिला बाल विकास अधिकारी उदल सिंह के सहित कई अधिकारियों ने बेटियों का जोरदार स्वागत किया। बालिकाओं का सम्मान व उनको प्रोत्साहित करने के लिए पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा कर बाघा बॉर्डर का अनुभव सुना। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मां तुझे प्रणाम योजना के तहत प्रदेश की लाड़ी लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बेटियों को बाघा बॉर्डर भेजा गया था। गौरतलब है कि 2 मई से 11 मई तक प्रदेश में लाडली उत्सव मनाया जा रहा है जिसके तहत मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, लेकिन पन्ना जिले से बाघा बॉर्डर जिले की 4 बेटियां जब वापस तो आईं तो पन्ना कलेक्टर ने अपनी कुर्सी छोड़ बेटियों को बैठाकर बाघा बॉर्डर का अनुभव सुना। इस अवसर पर कलेक्टर के द्वारा बालिकाओं से भ्रमण के अनुभव के बारे में बताने के लिए कहा गया। बालिकाओं ने बताया कि इस दौरान उन्हें हुसैनी, बाघा बॉर्डर, स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग का भी भ्रमण किया गया जिससे उन्हें कई रोचक जानकारियां प्राप्त हुई जिससे वो अपने देश के प्रति गौरव महसूस कर रही हैं और वो सारी बातें अपने गांव के लोगों और जिले के लोगों को भी बताएंगी। इस दौरान पन्ना कलेक्टर में सागर कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ल, पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ बालागुरु के, महिला बाल विकास अधिकारी उदल सिंह ठाकुर व जिले के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इतना कभी हम लोगों में जुनून नहीं आया जितना उस रहने वाला बॉर्डर में आया।